की क्वालिटी थी इसकी, अगर ये इसी सेम ब्रांड था इसका ग्लू उतनी जल्दी छूटेगा नहीं भाई। तो गाइस पहले एक ज़माना था जब यहाँ पे सैमसंग की जो फ्लैगशिप डिवाइसेस होती थी उसके अंदर आपको कर्व पैनल देखने को मिलता था और हम लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते थे कि यहाँ पे 20,000 की प्राइस के आसपास में कहीं कोई कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाए। तो भाई आज वो ज़माना आखिरकार इतने सालों बाद आ ही चुका है। देखिए यहाँ पे मेरे पास वन प्लस 11R है जिसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक कर्व पैनल के साथ में आता है। इसके बाद में चाहे आप वीवो T2 Pro की बात कर ले जो कि अगेन गाइस यहाँ पे 20,000 के आसपास में है, IQ Z7 Pro की बात कर लें, एंड इवन गाइस यहाँ पे Vivo जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है Vivo V29 Pro की बात कर लें, या फिर बात कर लें Vivo V29 की, या फिर मैंने Vivo V27 भी था गाइस वो भी मैंने इस्तेमाल किया है, और अभी तो भैया Moto Edge 40 Neo भी है और ये Moto Edge 40 है। और मैं आपको बताऊं ये दोनों ही डिवाइसेस को मैंने यहाँ पे कोई भी टेम्पर्ड नहीं लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे भाई मार्केट में बहुत सारे कर्व डिस्प्लेस के लिए यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास आते हैं, लेकिन उनमें से भाई बेस्ट कौन सा है? तो भाई मैंने यहाँ पे बहुत सारे में से मैंने 3 यहाँ पे निकाले हैं जो कि मैं आज लेकर के आया हूँ। देखिए ये तो एक है ही है, इसके अंदर एक्चुअल में 2 हैं। जी हाँ, वो 2 कौन से हैं मैं वो आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एक्चुअल में लेना चाहिए जो कि आपके डिवाइस को ना ही सिर्फ गिरने से प्रोटेक्ट करेगा बल्कि स्क्रैच से भी। तो चलिए यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ बहुत ही चीप रेट्स पे मैं लेकर के आया हूँ। एक मेरा टेम्पर्ड ग्लास है जो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का है, और यहाँ पे ये वाला तो भाई मुझे मिला है सिर्फ 200 रुपये का। एंड इवन गाइस एक और है UV टेम्पर्ड ग्लास, ये भी मिला है मुझे सिर्फ 200 रुपये का। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो 300 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक की जाते हैं। तो भाई मैंने कहा कि जर्नली जो नॉर्मल यूज़र है ना भाई वो सस्ते वाले ही लगाता है और ज़्यादातर लोग यहाँ ऑफलाइन मार्केट में ही जाते हैं, तो भाई ऑफलाइन मार्केट में क्या मिल रहा था मैं वो लेकर के आया। गाइस देखिए यहाँ पे मेरे पास जो सबसे पहला वाला टेम्पर्ड ग्लास है यहाँ पे, ये है कर्व पैनल का टेम्पर्ड ग्लास। ये वाले में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपली जिसके अंदर कि पूरे की पूरे ग्लास के अंदर आपका ये ग्लू लगा हुआ है और इसको आप आराम से जो कर्व पैनल वाले डिस्प्लेज हैं उन पे आप इस फिल्म को यहाँ पे निकाल के आराम से रख करके सेटल करके आप उसको स्टिक कर सकते हैं। मेरे पास में जो ये वाला है इसके अंदर देखिए कई कई मॉडल आते हैं, मेरे में जो है इसके अंदर बीच में फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए एक होल भी दिया हुआ है। ये एक स्पेसिफिक सैमसंग मॉडल का है लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे वीवो में मैं इसको लगा रहा हूँ। देखिए जब आप इसको हटाएंगे ना तो ये ग्लू जो है ये फुल में है, मतलब एक भाई आता है जिसमें कि केवल किनारे किनारे होता है पर इसके अंदर ये फुल में ग्लू है। और इसको देखिए निकालने के बाद में कुछ करना नहीं होता है आपको, बस आपको सेटअप करना होता है इसका ऊपर वाला। और मैंने ये लगा दिया है, बबल्स बनने के चांसेस रहते हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे साइड में ना ये कितना भी करेंगे ये पूरी तरीके से स्टिक होगा नहीं, लेकिन ये क्योंकि फुल ग्लू है तो साइड में आपको यहाँ पे बबल्स और एयर मतलब बनती हुई नजर आएगी, लेकिन फिर भी ये वाला मैं फिर भी रिकमेंड आप लोगों को करूंगा नहीं, इसके साथ में तो कतई मत जाइएगा। तो गाइस इसके बाद जो यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास आता है वो है हमारे पास में यूवी ग्लास वाला ये टेम्पर्ड ग्लास, और इस पर्टिकुलर ग्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि भाई इसको लगाने के बाद में क्या जब भी इसको छुड़ाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले भी निकलने के चांसेस है, या फिर डिस्प्ले पे ग्लू लगा हुआ छूट जाएगा, या फिर अगर आप इसको घर पे अगर आप लगाते तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए देखो भाई जब मैंने इसको लिया ना तो बंदा भाई बोल रहा था आप Moto Edge 40 Neo हमें दे दीजिए हम इस पे लगा करके आपको दिखा देंगे, लेकिन भाई मैंने कहा कि इसको घर पे ला करके स्वयं मैं लगाऊंगा, अगर मुझसे बहुत ज़्यादा ईजिली लग जाएगा तो आप लोगों से भी लग ही जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे घर के लिए दे दो और मैं घर पे ही जा करके ट्राई करूंगा। तो भाई देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको देखने को मिलता है ये, साथ ही में आपको मिलता है इनका ग्लू, साथ ही में यहां पे एक आपको मिल जाता है यहां पे वेट एंड ड्राई वाला क्लीनर, और उसी के साथ में गाइस यहां पे एक इनका यूवी लैंप वाला भी लाइट आपको मिलती है जो कि इनके ग्लू को करती है हार्ड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं, और भाई देखो इसको मैं यहां पे वेट और ड्राई वाले से मैं यहां पे अच्छे से क्लीन मैं करता हूं, तो देखो भाई यहाँ पे क्लीन करने के बाद कुछ ऐसा सिनेरियो बन करके आया है। सारे के सारे ग्लू को गाइस मैंने यहाँ पे बीचों बीच में मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ, इसके बाद मैंने बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने इस यूवी ग्लास को उसके ऊपर रख करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है थोड़ी देर सेटल होने के लिए, और उसके बाद हम यहाँ पे जलाएंगे अपना यूवी लैम्प विद द हेल्प ऑफ अ पावर बैंक और यहाँ पे हम लोग अब इसको सेटल करेंगे। देखिए धीरे धीरे यहाँ पे ये सेटल होगा। तो गाइस इसके भाई सेटल होने के बाद में ना दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप इसको निकालेंगे तो क्या सिनेरियो, तो चलिए भाई मैं आपको दिखा दे रहा हूं इसको निकालने पे क्या सिनेरियो होता है। देखिए देखिए भाई निकलने का नाम ही नहीं ले रहा ये, अभी अभी लगा है ये, और इसके साथ दिक्कत होती यही
कि अगर आपने इसको तोड़ दिया तो भाई बहुत दिक्कत होने लगेगी। कोशिश करिए टूटे ना, देखिए यहाँ पे जहाँ टूटा आप ये दिक्कत देगा, इसीलिए अब इसको ऊपर से निकालेंगे। ओके, ऊपर भी टूट गया है, कोशिश कर रहा हूँ गाइज। ओहो भाई निकल आया, थैंक गॉड। तो एक चीज़ है गाइज, यहाँ पे अगर आप इसको अगर बाय द वे निकालना है ना, तो भाई 3 महीना मैक्सिमम टाइम है, जो जनरली मैंने यहाँ पे देखा है कि 3 महीने में आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएगा। आप देखिए मेरे डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं आया है केवल इसकी वजह से, तो मेरे हिसाब से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन इससे भी एक बेस्ट है, पता है वो कौन सा है? तो एक और आता है भाई यहाँ पे, जो कि 100 रुपये का आया है, मतलब 100 रुपये नहीं, मुझे ये 100 रुपये बोला था लेकिन ये 80 रुपये में दिया है। ये है एक मेम्ब्रेन, जी हाँ, यहाँ पे एक भाई अनब्रेकेबल मेम्ब्रेन के नाम से आता है। ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, टूटता फूटता नहीं है। बेसिकली यहाँ पे एक प्लास्टिक ही है, इसको देखो लगाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली हम इसको यहाँ पे 1 2 3 करके यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हम स्टिक करेंगे और देखिए बड़े ही आराम से यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा और कोई भी आपको एज सच प्रॉब्लम यहाँ देखने को नहीं मिलती है और यहाँ पे बबल वगैरह भी आपको कोई खास यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे देगा। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे कई ऐसी भाई मेम्ब्रेन आती हैं जो अपने आप को खुद ही हील कर लेती हैं, जिसकी वजह से हल्के फुल्के जो स्क्रैच इसके ऊपर आएंगे वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन गाइज ये गिरने पे टूटने वाले को ठीक नहीं करता, तो यही एक प्रॉब्लम है इसके साथ में। बाकी तो गाइज अगर आप इन तीनों में से कौन सा मुझसे पूछेंगे कि अगर आपको लगाना है, तो भाई देखो अगर आपने हाथी पाला है तो खर्चा तो उसका उठाना ही पड़ेगा। तो भाई मेरे हिसाब से जो यहाँ पे यूवी टेम्पर ग्लासेस आते हैं, आप उसको अगर लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर सेफ होगा आपका ना डिवाइस। और हाँ, हर 3 महीने पे आपको मेरे हिसाब से खर्चा करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो भाई फिर वो आपका लक। ऐसा भी हो सकता है कि 5 महीने बाद या 1 साल बाद तक की आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये डे भाई छोड़ता हूँ मैं आपके लिए और आप लोग मुझे बताएं कि आपके हिसाब से इन तीनों में आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेस्ट है।